नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर के लसूरिया पुलिस ने दो ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जो कि जिस कंपनी में काम करते थे उसी कंपनी के सॉफ्टवेयर चोरी कर लाखों रुपए में बेच दिया करते थे। लसूरिया पुलिस ने दोनों आरोपियों को अजमेर से गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल इंदौर की लसूरिया पुलिस को फरियादी मोहित ने लसूरिया पुलिस को शिकायत की थी कि हमारी कंपनी ने एक डिजिटल फोटो का सॉफ्टवेयर बनाया था और साथ में ही काम करने वाले असलम और ताजमुल ने मोहित के साथ काम बंद कर सॉफ्टवेयर चोरी कर चोरी छुपे लाखों रुपए में बेच दिया था, जिससे मोहित को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं लसूरिया पुलिस ने फरियादी मोहित की रिपोर्ट पर दो आरोपी शहडोल निवासी असलम और ताजमुल जो कि सॉफ्टवेयर चोरी कर अजमेर भाग गए थे। लसूरिया पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने पर कल दोनों आरोपी असलम व ताजमुल को गिरफ्तार कर इंदौर पहुंचकर दोनों से पूछताछ शुरू कर दी कि किन किन लोगों को सॉफ्टवेयर बेचा है और कितने में बेचा है। ये मोहित नाम के आदमी ने रिपोर्ट किया था कि वो एक सॉफ्टवेयर बनाया था डिजिटल फोटो का, जिसके साथ काम करने वाले दो आदमी तजम्मुल और असलम साथ में पहले इसके काम करते थे। काम छोड़ने के बाद ये लोगों ने उसका सॉफ्टवेयर चोरी कर लिया और उसके सॉफ्टवेयर में हेरा फेरी करके इन्होंने उसको चोरी छुपे पैसे कमाए उससे, जिससे इनको नुकसान हुआ और आरोपी गणों को फायदा हुआ। फरियादी की रिपोर्ट पर 420 IPC का प्रकरण दर्ज किया गया था और दोनों आरोपी जो रहने वाले शहडोल के हैं मुल्ता, वो यहां से अपने को छुपाने के लिए अजमेर चले गए थे, जिन्हें अजमेर से पकड़कर मामले में गिरफ्तार किया गया। तकरीबन कितने पैसे किस प्रकार से ऑनलाइन करते थे, किस प्रकार से ट्रांजेक्शन करते थे? ये इनका ऑनलाइन सॉफ्टवेयर था जिससे ये डिजिटल फोटोग्राफी बेच के पैसे कमाते थे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।